Bidur Awareness. आज इस अवेयरनेस सेक्शन में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मेमोरी एंड स्टोरेज. मेमोरी जो इंटरनली रैम या फिर कैश मेमोरी वगैरह जो सेक्शन होता है सिस्टम यूनिट के अंदर होता है, जो मेमोरी यूज होती है नॉर्मली फॉर प्रोसेसिंग, आर दी मेमोरी सेक्शन. एंड स्टोरेज सेक्शन वो पार्ट हो गया जहाँ पे वो इंस्ट्रक्शंस या फिर जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है सेक्शंस जिसको हम जहाँ पे स्टोर करते हैं सेव करके रखते हैं वो हो गया स्टोरेज सेक्शन या मास स्टोरेज डिवाइसेस या सेक्शन. तो यही डिफरेंस है मेमोरी एंड स्टोरेज के बीच. अब कितने टाइप के मेमोरी है, किस तरह यूज होता है, स्टोरेज किस तरह के है, किस तरह यूज होता है, आज हम इस वीडियो सेशन में वो सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं. तो आप गौर से देखिएगा, स्टार्ट करते हैं हम पूरा ये सेक्शन के थीम से. थीम पहले बताता है हायरार्की. तो हायरार्की को अगर हम देखें अच्छी तरह से उसमें एक पिरामिडिकल वेरिएशंस को डिस्क्राइब किया गया है. पिरामिड के टॉप सेक्शन जो है वो सबसे कॉस्टली सेक्शन है. उस सेक्शन में जो भी मेमोरी होता है वो सबसे ज्यादा प्रोसेसिंग स्पीड अप में हेल्प करता है और बहुत ज्यादा कॉस्टली भी होता है. और जो नीचे के सेक्शन होगा वो कम काम करता है प्रोसेसिंग में या फिर बहुत ज्यादा यूजबल नहीं है प्रोसेसिंग में, सो इट इज लेस कॉस्टली. तो देखना चाहिए, ऑब्वियसली वी वुड लाइक टू नो कि हायरार्की वाइज मेमोरी में सबसे ऊपर क्या हो सकता है. आई बिलीव मेनी ऑफ यू डोंट नो, यू आर गेसिंग राइट नाउ. चलिए मैं बता देता हूं, हायरार्की में सबसे ऊपर आपका होता है रजिस्टर. रजिस्टर के बाद आपका आता है लेवल 1 कैश, देन लेवल 2 कैश, देन आपका मेन मेमोरी सेक्शन. मेन मेमोरी मतलब रैम का सेक्शन. ये टोटली ये पूरा पोर्शन को आपका सिस्टम सेक्शन बोला जाता है. अब इस सेक्शन के बाद नेक्स्ट फेज वाले सेक्शन में आपका आएगा हार्ड ड्राइव, जो स्टोरेज सेक्शन में है, या सीडी डीवीडी रोम रीराइटेबल. इस पर्टिकुलर सेक्शन को बोला जाता है इंटरनल केबलिंग. एंड फाइनली आपका टेप बैकअप, इन अदर वर्ड्स एक्सटर्नल सेक्शन जैसे पेन ड्राइव वगैरह सेक्शन होता है. अभी हर एक जो आप मेमोरी का सेक्शन अभी देखे हैं, हर एक का एक प्रोसेसिंग स्पीड होता है, एक एक्सेस टाइम होता है. एक्सेस टाइम, ये एक्सेस टाइम किसे बोलते हैं? एक्सेस टाइम हो गया उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल को बोलते हैं जब एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन आपके प्रोसेसिंग या सीपीयू से या प्रोसेसर से अब स्टोरेज सेक्शन में जाके सेव होता है या फिर एक स्टोरेज सेक्शन से उसको प्रोसेसिंग तक लेके जाया जाता है फॉर फर्दर प्रोसेसिंग. ये जो टाइम इंटरवल होता है उसे बोलते हैं एक्सेस टाइम. तो हर एक का एक्सेस टाइम अलग अलग है. रजिस्टर का सबसे कम एक्सेस टाइम मतलब बहुत फास्ट प्रोसेसिंग पे या फिर डेटा ट्रांसफर पे हेल्प करता है. इसके लिए 1 नैनोसेकंड से 2 नैनोसेकंड ही लगता है एक्सेस टाइम. लेवल 1 कैश का एक्सेस टाइम है 3 नैनोसेकंड से 10 नैनोसेकंड. लेवल 2 कैश के लिए 25 नैनोसेकंड से 50 नैनोसेकंड. मेन मेमोरी या रैम के सेक्शन में आपका लगता है 30 नैनोसेकंड से 90 नैनोसेकंड. फिर आपका हार्ड ड्राइव में लगता है 5 मिलीसेकंड से 20 मिलीसेकंड. सीडी डीवीडी रोम के लिए लगता है 100 मिलीसेकंड से 5 मिलीसेकंड्स और फार्दर. 100 सेकंड्स और से 3 मिनट तक लगेगा टेप बैकअप में. आपके सीडी डीवीडी रोम और टेप बैकअप के लिए एक स्टार मार्क दिया गया है जो डिफाइन करता है वॉल्यूम के ऊपर. इसका मतलब इनका जो एक्सेस टाइम है वो डिफर कर सकता है. मतलब जितना बड़ा स्पेस वाला सीडी डीवीडी उतना ज्यादा टाइम लगेगा, जितना छोटा होगा उतना कम टाइम में हो जाएगा. टेप बैकअप का भी सेम है. आपका जैसे पेन ड्राइव वगैरह सेक्शन बहुत बड़ा पेन ड्राइव स्टोरेज सेक्शन के लिए, तो उसका जो एक्सेस टाइम है डेटा को ट्रैवल कराने का वो थोड़ा सा कम ज्यादा हो सकता है. डिपेंड करता है वॉल्यूम कितना है. तो ये था आपका मेमोरी हायरार्की या एक्सेस टाइम के ऊपर डिस्कशन. इसके बाद आपका आएगा द बेसिक थीम, मतलब पूरा जो मेमोरी स्टोरेज में कौन से पोर्शन में क्या आता है. तो देखते हैं,
कंप्यूटर मेमोरी के टेबल, मेन मेमोरी या फिजिकल मेमोरी, मेन मेमोरी को फिजिकल मेमोरी भी बोलते हैं, उसके अंदर क्या क्या चीजें आता है, वॉलेटाइल मेमोरी, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, कैश मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी, फ्लैश मेमोरी, ये सारा कुछ मेन या फिजिकल मेमोरी के सेक्शंस है। वॉलेटाइल मेमोरी मतलब रैम, जिसके दो टाइप्स है, SRAM एंड TRAM। नॉन वॉलेटाइल मतलब रोम, इसका भी तीन और पार्ट्स है, जैसे प्रोम हो गया, ई प्रोम हो गया, डबल ई प्रोम हो गया। वॉलेटाइल मेमोरी किसे बोलते हैं, वॉलेटाइल मेमोरी हो गया, पकड़ लीजिए कोई एक डेटा हम कॉपी किए हैं, वो आपका क्लिपबोर्ड पे चला जाता है, वो नॉर्मली आपका टेम्पररी सेक्शन है। वॉलेटाइल मेमोरी किसे बोलते हैं, जो पर्टिकुलर मेमोरी टेम्पररी यूज में काम करता है उसे वॉलेटाइल मेमोरी बोला जाता है, वेयर एज जो मेमोरी आपके परमानेंट मेमोरी सेक्शन में काम में आता है उसे नॉन वॉलेटाइल मेमोरी बोला जाता है। कैश मेमोरी में आता है लेवल 1 कैश, लेवल 2 कैश, वर्चुअल मेमोरी अलग टाइप का मेमोरी, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, फ्लैश मेमोरी भी है। तो ये सारा जो टाइप्स है मेन मेमोरी के अंदर, ये सारा कुछ डिस्क्राइबेबल है, आगे में हम देखेंगे कौन सा क्या काम में आता है, किस तरह होता है। मेन मेमोरी के बाद आपका है ऑक्सिलियरी मेमोरी, इन अदर वर्ड्स वी आल्सो कॉल इट एज सेकेंडरी मेमोरी। इसके अंदर आता है आपका मैग्नेटिक डिस्क ड्राइव, ऑप्टिकल डिस्क एंड मैग्नेटो ऑप्टिकल डिस्क। अब ये पूरा सेक्शन जो अभी यहाँ पे थीम वाइज दिखाया गया, इसका डिस्क्राइबेबल पार्ट देखते हैं। तो शुरू करते हैं मेन मेमोरी फिजिकल मेमोरी से। पहला हमारा हाथ में है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम इस तरह दिखता है, आप बहुत लोग सीपीयू या सिस्टम यूनिट को खोल के, मदरबोर्ड में अटैच या लैपटॉप को खोल के, लैपटॉप में अटैच इस तरह की स्लाइडिंग सेक्शन या फिर एक डिवाइस देखे होंगे। इस पर्टिकुलर डिवाइस को रैम बोला जाता है, ये रैम कुछ इस तरह दिखता है। तो रैम एक वॉलेटाइल मेमोरी है, उसके दो टाइप्स हो गए, एक हो गया स्टैटिक रैम, दूसरा हो गया डायनामिक रैम। अब स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम के ऊपर आगे डिस्कशन देखते हैं। स्टैटिक रैम क्या चीज है, स्टैटिक रैम नॉर्मली इस तरह दिखता है, जो छोटा सा चिप है वो पूरा जो आपका रैम पोर्शन में, इस तरह बहुत सारे चिप्स एक साथ अटैच किया रहता है, ये पर्टिकुलर जो आपका रैम सेक्शन है उसे स्टैटिक रैम बोला जाता है। नॉर्मली स्टैटिक रैम बहुत ही फास्ट डेटा ट्रांसफर या प्रोसेसिंग में हेल्प करता है, ये अपने जो बिट्स है उसको फ्लिप फ्लॉप्स में स्टोर करता है। स्टैटिक रैम दैट इज SRAM स्टोर्स इट्स बिट्स इन फ्लिप फ्लॉप्स, ये नॉर्मली बहुत ही फास्ट है। कंटेंट्स ऑफ ईच लोकेशन परसीज एज लॉन्ग एज पावर इज अप्लाइड, इसका मतलब जब तक की पावर कंप्यूटर में है तब तक वो डेटा जो पकड़ के रखा है वो वैलिड है, जैसे पावर ऑफ हो जाएगा वो डेटा उस पर्टिकुलर रैम मेमोरी से छूट जाती है। इन अदर वर्ड्स इफ आई से कि अगर मैं सिंपल लेम लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में वर्ड पकड़ लीजिए, कोई एक डेटा को मैं कॉपी करना चाहता हूँ, तो मैंने कुछ टेक्स्ट को कॉपी किया और उसको मैंने ब्लैंक वाले जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वहाँ पर पेस्ट नहीं किया अभी तक, बस कॉपी करके रखा है। तो कॉपी करने से जो पर्टिकुलर डेटा मैंने कॉपी किया वो क्लिपबोर्ड में रहता है, और जब मैं पेस्ट करूंगा वो क्लिपबोर्ड से आके यहाँ पेस्ट हो जाता है। अब मैं अगर कंप्यूटर को ऑफ कर देता हूँ, फिर वापस ऑन करूंगा और फिर मैं उसको पेस्ट करने की कोशिश करूंगा ब्लैंक शीट पे, वो पेस्ट नहीं होगा क्योंकि जो कॉपी हुआ था वो क्लिपबोर्ड में था और वो रैम से अटैच्ड होता है। स्टैटिक रैम जब तक है, जब तक पावर ऑन है तब तक वो वैलिड है, जैसे ऑफ हो के वो डेटा वहां से गायब हो चुकी होती है, डिलीट हो चुकी होती है। इसीलिए जब तक पावर रहता है तब तक रैम काम करता है, बोथ SRAM एंड DRAM। फास्ट बट रिलेटिवली लार्ज एंड कंज्यूम्स लॉट ऑफ पावर, बहुत ज्यादा पावर चाहिए होता है, बहुत बड़ा भी है लेकिन बहुत फास्ट भी है। यूज्ड फॉर मेमोरी एप्लीकेशन दैट आर स्मॉल बट फास्ट, ये थे आपके स्टैटिक रैम के ऊपर सारा बात। ये पॉइंट सारे आप अच्छी तरह से पढ़िएगा, समझिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन आएगा तो आप अच्छी तरह उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। स्टैटिक रैम के बाद आपका आता है डायनामिक रैम। डायनामिक रैम कुछ आपका इस तरह दिखता है, ये बहुत बड़ा एक स्लॉट डिवाइस दिख रहा है जहाँ पे बड़े बड़े जो चिप्स हैं वो डायनेमिक रैम के हैं, वो स्टैटिक रैम से बड़े हैं, अलग हैं और डिफरेंस में है। डायनेमिक रैम अपने जो बिट्स है उसको इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर्स में स्टोर करता है, ये
छोटा है और SRAM से तो काफी स्लो भी है। अब नॉर्मली बिकॉज ये छोटा है इसलिए उसको मेन मेमोरी में बहुत ज्यादा यूज की जाती है और बहुत ज्यादा कम कॉस्ट का भी होता है। दे सपोर्ट लो कॉस्ट, लो पावर एंड हाई डेंसिटी एंड हेंस यूज्ड इन मेन मेमोरी। तो रैम का दो सेक्शन था, स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम के बारे में पॉइंट्स आप लोगों को समझ में आ गया, डायनेमिक रैम के बारे में पॉइंट समझ में आया, हम आगे बढ़ेंगे। याद रखिएगा स्टैटिक रैम फ्लिप फ्लॉप्स में अपने बिट्स स्टोर करता है और डायनेमिक रैम इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर में आपके बिट्स स्टोर करता है। स्टैटिक रैम बहुत फास्ट है, बड़ा है और महंगा भी है और बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी या पावर भी चाहिए होता है। वेयर इज डायनेमिक रैम छोटा है, SRAM से बहुत ज्यादा स्लो है, कम दाम में मिलता है और हाई डेंसिटी में है इसीलिए मेन मेमोरी में यूज होता है। अब डायनेमिक रैम के बाद हम चलिए देखते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी सेक्शन पे, जो कि है रोम, रीड ओनली मेमोरी। रोम नॉर्मली इस तरह का चिप है जो दिखाई पड़ता है, ये ऐसे एक सेक्शन डिवाइस पे प्लेस्ड होता है। रोम डेटा को स्टोर करने में बहुत हेल्प करता है और जब ये नॉन वोलेटाइल है इसलिए कोई भी डेटा अगर स्टोर किया हुआ है वो डिलीट नहीं होता है पावर ऑफ होने से, मतलब अगर पावर ऑफ हो भी गया अगली बार हम ऑन करेंगे वो डेटा हमें मिल जाएगा। ड्यूरिंग बूट द कंप्यूटर लोड्स OS थ्रू BIOS फ्रॉम रोम, मतलब हमारे कंप्यूटर जब ऑन करते हैं तो फिर वो कंप्यूटर BIOS की हेल्प से रोम से ऑपरेटिंग सिस्टम को खींच के आपका बूट कराता है। लेकिन इसमें और एक बात भी है, जब रोम इन्वॉल्व होता है बूटिंग में प्रोवाइडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज बीन पुल्ड बाय BIOS, इट बिकम्स वेरी स्लो। मतलब नॉर्मली अगर जब रोम इन्वॉल्व होता है जिसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो BIOS लेके कंप्यूटर को ऑन कराता है तो बहुत ही स्लो होता है। पकड़ लीजिए अगर हम पहले के डेस्कटॉप को पकड़ते हैं तो करीबन आधे घंटे से 40 मिनट लग जाएगा कंप्यूटर को ऑन ही होने में, लेकिन हमें तो ऐसा कोई सिचुएशन मिला नहीं। हम जब ऑन करते हैं तो फिर ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट लग जाता है, 4 मिनट मैक्स ऑन होने में पहले के कंप्यूटर जो डेस्कटॉप होते थे। तो अभी तो बहुत फास्ट हो जाता है, लेकिन वो फास्ट कैसे होता है? जो आधा घंटा मैंने बोला लगना चाहिए वो आपके 2-3 मिनट में कैसे ऑन हो जाता है? एक्चुअली इस बूटिंग प्रोसेस को फास्ट करने के लिए SRAM का बहुत बड़ा हाथ है। नाउ दिस SRAM इज नॉट स्टैटिक RAM। अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो SRAM मैं बोल रहा हूं जो बूट फास्ट कराने में हेल्प करता है वो स्टैटिक RAM नहीं है, वो शेडो RAM है। SRAM इन अदर वर्ड्स शेडो RAM helps इन बूटिंग द कंप्यूटर फास्टर। तो नॉर्मली क्या होता है, जब BIOS के थ्रू रोम के अंदर से ऑपरेटिंग सिस्टम को लिया जाता है तो बहुत स्लो होता है। तो शेडो RAM क्या करता है, वो पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के सेगमेंट्स जो है OS के जो सेगमेंट्स है उसको रोम से RAM में ट्रांसफर कर देता है जिससे कि बूट बहुत फास्ट हो जाता है, क्योंकि RAM बहुत फास्ट है। तो रोम से वो OS के सेगमेंट्स को RAM में ट्रांसफर करके फिर उसको बूट कराता है जिससे कि बूटिंग बहुत फास्ट हो जाती है। डेटा स्टोर्ड इन दिस चिप इज आइदर अनचेंजेबल और रिक्वायर्स अ स्पेशल ऑपरेशन टू चेंज, मतलब रोम में जो प्रोग्राम्स जो डेटा ऑलरेडी स्टोर हो चुका है उसको फिर चेंज या डिलीट या कुछ भी नहीं किया जा सकता। अगर कोई सोर्स प्रोग्रामर है या फिर सोर्स कोडर एक पर्सन है, ऑपरेटर है, वो ही उस रोम सेक्शन पे मैनिपुलेट करके उसको फिर से रीपरफॉर्म करा के डेटा को स्टोर करा सकता है। अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी पर्सन एनी यूजर टू डिलीट और एडिट द डेटा विच इज बीन स्टोर्ड इन रोम रीड ओनली मेमोरी। रोम नॉर्मली आपका यूज भी होता है हमारे बहुत सारे चीज़ों में, जैसे कि एप्लीकेशंस अगर देखा जाए, वीडियो गेम्स, कैलकुलेटर, माइक्रोवेव ओवन एक्सेट्रा। आप सोचे होंगे अभी रोम तो हमें पता है कि कंप्यूटर में होता है, कैलकुलेटर, वीडियो गेम और माइक्रोवेव ओवन कहाँ से आ गया? तो कोई भी एक डिवाइस जो नॉर्मली बटन्स यूज करने से उसका एग्जीक्यूट होता है या फिर उसका काम होता है, जैसे कि पकड़ लीजिए
माइक्रोवेव ओवन, उसमें बहुत सारे स्टार्ट है, स्टॉप है, टाइमर है, उसको हम यूज़ करके हम कोई भी खाना को गर्म कर सकते हैं, डिफ्रॉस्ट कर सकते हैं। तो ये तो प्रोग्राम किया हुआ है, प्रोग्राम किया हुआ है तभी ना ये बटन्स प्रोग्राम के हिसाब से काम करता है। तो ये प्रोग्राम कहीं ना कहीं से स्टोर हो रहा है, तो वो रोम में हो रहा है। कोई भी एक डिवाइस जिसमें प्रोग्रामेबल सेक्शन या बटन से जिसको मारने से वो एग्जीक्यूट होता है, वो रोम यूटिलाइज करके कर रहा है। जैसे कि गेम, तो गेम में हम जो गेम खेल रहे हैं वो एक प्रोग्राम है, वो आपके रोम में इंस्टॉल्ड है, तो रोम से वो प्ले हो रहा है। या फिर आपका कैलकुलेटर, वो भी कैलकुलेटिंग प्रोग्राम है, वो भी आपके रोम में ही स्टोर्ड है। तो कोई भी एप्लीकेशन जहाँ पे आपका प्रोग्रामेबल सेक्शन होता है वो सब रोम में डिफाइंड होता है। अब रोम के तीन पार्ट्स है, प्रोम, ई प्रोम एंड डबल ई प्रोम। चलिए उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। रोम के टाइप्स तीन है। पहला हो गया प्रोम, दैट एब्रिविएट्स फॉर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी नॉर्मली ऐसा एक सेक्शन है जहां पे एक बार एक यूजर कोई भी डेटा को वहां पे ओवरराइट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक बार। प्रोम बर्नर अलाउज कंटेंट ऑफ द रोम टू बी ओवररिटन ओनली वंस, इसलिए उसे प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं। प्रोम, याद रखिएगा, प्रोम बर्नर जो है एक ही बार रोम के कंटेंट को ओवरराइट करने के चांसेस देता है। ये हो गया आपके प्रोम का चिप। उसके बाद आपका आता है ई प्रोम। नॉर्मली उसे बोला जाता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस पर्टिकुलर सेक्शन में, यहां पे इस चिप में हम एक डेटा जो रोम में होता है उसको एक बार नहीं बहुत बार रीराइट कर सकते इरेज करके, बट बाय एक्सपोजिंग इट टू द अल्ट्रा वायलेट लाइट। तो ई प्रोम, दैट इज इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, कैन बी रीरिटन सेवरल टाइम्स व्हाइल इरेजिंग इट By exposing to the ultraviolet light। अब बीच में ये चिप के बीच में एक सर्कल दिखाई दे रहा है जो एक ट्रांसपेरेंट सा ग्लास है, उसके थ्रू जो अल्ट्रावायलेट लाइट है इसमें पास होता है, जिससे कि जो डेटा ऑलरेडी रहता है उसको इरेज किया जाता है। एंड आफ्टर इरेजिंग बिकम्स अ ब्लैंक सेक्शन जहां पे हम फिर से वो प्रोग्राम को लिख सकते हैं, रीराइट कर सकते हैं, एक बार नहीं हजार बार। तो इसे बोलते हैं इसे इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। बट हम इरेज कैसे करेंगे? बाय एक्सपोजिंग इट टू अल्ट्रा वायलेट लाइट, जो लाइट इस पर्टिकुलर सर्कल ग्लास के थ्रू पास होता है। ई प्रोम के बाद हमारा थर्ड एंड फाइनल रोम का टाइप है डबल ई प्रोम, जिसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पे स्टार्टिंग में बता दिया गया है ये नॉर्मली इरेजेबल प्रोग्रामेबल नहीं है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। अब बता दिया इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, मतलब हम इलेक्ट्रिकली उसको इरेज कर सकते हैं, वो नाम में ही बताया गया है। तो ये ईप्रोम जैसा ही है, लेकिन ईप्रोम में जैसे अल्ट्रावायलेट लाइट को पास करा के इरेज किया जाता है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मली ई प्रोम कैन बी रीरिटन सेवरल टाइम्स व्हाइल इरेजिंग इट बाय इलेक्ट्रिकल चार्ज। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल चार्ज को यूज करके इस पर्टिकुलर डबल ई प्रोम में जो डेटा है उसको इरेज करके फिर रीराइट कर सकते हैं और एक प्रोग्राम को। तो इसके दो डिफरेंस आ गया, एक हो गया ई प्रोम का, एक डबल ई प्रोम का। ई प्रोम का क्या है, इसको इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी बोला जाता है, जो नॉर्मली रीराइट कर सकते हैं डेटा बाय एक्सपोजिंग इट टू अल्ट्रावायलेट लाइट। व्हेयरएज इन डबल ई प्रोम उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसमें भी डेटा को रीराइट कर सकते हैं सेवरल टाइम्स बाय इरेजिंग द प्रीवियस डेटा बाय पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रिकल चार्जेस और बाय यूजिंग द इलेक्ट्रिकल चार्जेस। तो ये थे आपके तीन टाइप्स ऑफ रोम, प्रोम, ई प्रोम एंड डबल ई प्रोम। तो हम वॉलेटाइल मेमोरी सीख लिए, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी सीख लिए, अब देखते हैं कैश मेमोरी। कैश मेमोरी आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, एक पिक्चर है, इसमें जो बीचों बीच या ब्लैक कलर का जो बॉक्स दिख रहा है वो हो गया आपका माइक्रो प्रोसेसर का सेक्शन।
It is also called as a CPU. But inside this we have control unit, arithmetical logical unit and level 1 cache. इसका मतलब कैश मेमोरी का जो लेवल 1 कैश मेमोरी है वो नॉर्मली माइक्रो प्रोसेसर के अंदर होता है विद द कंट्रोल यूनिट एंड अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट दैट इज ALU. वेयर एज जो लेवल 2 कैश मेमोरी है वो आपके माइक्रो प्रोसेसर के बाहर होता है लेकिन सिस्टम यूनिट के अंदर. तो हमारा क्या क्लेरिफिकेशन हुआ कि कैश मेमोरी दो है, एक लेवल 1 कैश मेमोरी एक लेवल 2 कैश मेमोरी. लेवल 1 आपका रहता है सीपीयू के अंदर दैट इज इनसाइड द माइक्रो प्रोसेसर, बट लेवल 2 कैश मेमोरी रहता है माइक्रो प्रोसेसर के बाहर बट सिस्टम यूनिट के अंदर. यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका कनेक्टिविटी किस तरह रखा गया है. आप क्लियरली देख सकते हैं लेवल 1 कैश बिल्ड इनटू द चिप दैट इज अ माइक्रो प्रोसेसर जो कनेक्टेड रहता है थ्रू द लोकल पास टू लेवल 2 कैश मेमोरी, इन अदर वर्ड्स द SRAM सेक्शन. और ये SRAM सेक्शन आपका लोकल पास के थ्रू कनेक्ट रहता है टू द मेन मेमोरी दैट इज RAM. अब कैश मेमोरी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो अब हम देखेंगे अगले वाले सेक्शन पे. अब गौर से वो पॉइंट्स देखिएगा और पॉइंट वाइज उसके ऊपर नोट को भी बनाइएगा. चलिए देखते हैं कैश मेमोरी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. लेवल 1 कैश मेमोरी, इट इज लोकेटेड इनसाइड द माइक्रो प्रोसेसर एंड मोस्टली लेवल 1 कैश मेमोरी हेल्प्स इन स्टोरिंग द रिसेंटली एक्सेस डेटा बाय द माइक्रो प्रोसेसर. जो माइक्रोप्रोसेसर जो रिसेंटली डेटा को एक्सेस करता है उसको स्टोर कराने में लेवल 1 कैश मेमोरी बहुत ज्यादा हेल्प करता है. इट इज आल्सो नोन एज द प्राइमरी कैश, सिस्टम कैश और इंटरनल कैश. इट इज वेरी फास्ट. अब लेवल 2 कैश मेमोरी देखते हैं. इट इज लोकेटेड आउटसाइड द माइक्रोप्रोसेसर चिप बट इनसाइड द सिस्टम यूनिट. एज आई टोल्ड अर्लियर इट एक्चुअली हेल्प्स इन providing the stored information for further processing. मतलब जो normally level 1 cache store कराता है जो data, जो access data by the microprocessor, वही data को क्या करता है level 2 cache memory निकाल के further processing के लिए provide कराता है. तो दोनों का वही interrelated बातें हैं. level 1 आपका हो गया store कराने में help करता है, level 2 हो गया store data को process कराने में help करता है, मतलब forward कराता है. ये normally level 1 कैश से स्लो है और लेवल 2 कैश मेमोरी को बोला जाता है सेकेंडरी कैश आल्सो. तो यहां पे हम सीखे कि कैश मेमोरी क्या चीज है, उसके कितने टाइप्स. अब आगे देखते हैं हम वर्चुअल मेमोरी. वर्चुअल मेमोरी एक्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इसे आप बहुत ही अच्छी तरह से समझिएगा जिस तरह मैं डिस्क्राइब करूंगा अभी. नॉर्मली वर्चुअल मेमोरी क्या चीज है, किस पोर्शन को वर्चुअल मेमोरी बोलते हैं. हम नॉर्मली जब वर्चुअल वर्ड को यूज करते हैं तो हम सोचते हैं क्या चीज है रियल एंड वर्चुअल. अगर मैं बोलूं रियल सोशल नेटवर्किंग एंड वर्चुअल सोशल नेटवर्किंग, दोनों में डिफरेंस क्या है. डिफरेंस ये है जो रियल सोशल नेटवर्किंग है मतलब हमारे नेबर्स या आस पास के लोग, हम बाहर फिजिकली जाके उनसे मिलते हैं बात करते हैं या फिर एक सोशली हम चीजों को मेंटेन करते हैं, वो हो गया रियल सोशल नेटवर्किंग. वर्चुअल सोशल नेटवर्किंग हो गया हम वही नेबर्स या आसपास के अलग नेबर्स या फिर दूर दूर के कोई भी लोगों के साथ जब हम सोशल होते हैं थ्रू इंटरनेट जैसे कि फेसबुक व्हाट्सएप, तो उसको बोलते हैं वर्चुअल सोशल नेटवर्किंग. मतलब रियल फिजिकली नहीं कर रहे हैं, वर्चुअली लेकिन मेंटेन कर रहे हैं. तो यहाँ पे वर्चुअल मतलब क्या है, जो रियल में नहीं है, जो नॉर्मली बनाया जाता है सोचा जाता है लेकिन वर्चुअली. वर्चुअल मेमोरी क्या चीज है यहाँ पे और किस तरह यूटिलाइज होता है देखते हैं. नॉर्मली रैम जो होता है आपका प्रोसेसिंग स्पीड अप कराने में बहुत हेल्प करता है. तो जितना बड़ा रैम उतना ज्यादा प्रोसेसिंग हम करा सकते हैं या फिर बहुत सारे जो एप्लीकेशंस हैवी एप्लीकेशंस हैं उसको स्पीड अप कराने में या फिर एग्जीक्यूट कराने में बहुत ज्यादा रैम का हेल्प चाहिए होता है. तो जितना कम रैम होता है उतना प्रोसेसिंग स्पीड कम होता है, बड़े बड़े एप्लीकेशंस रन नहीं हो पाएंगे.
तो हम नॉर्मली आजकल में क्या यूज करते हैं, 4GB RAM, 8GB RAM, तो इस तरह हम यूज करें ताकि हम बड़े बड़े एप्लीकेशन को हम एग्जीक्यूट कर पाए या फिर हम यूज कर पाए इस तरह चीजों के लिए। तो रैम में बहुत सारे जो है लोकेशंस है, जो मतलब मिलियंस ऑफ लोकेशंस बोल सकते हैं। तो ये सारे लोकेशंस नॉर्मली यूज होता है हमारे जो एप्लीकेशन होता है उसको रन कराने में हेल्प कराने के लिए। लेकिन कभी कभार क्या होता है, रैम के बिलियंस ऑफ मेमोरी लोकेशंस होने के बाद भी कुछ एप्लीकेशंस ऐसे होते हैं जिसको उससे भी ज्यादा चाहिए होता है, तो तब रैम क्या करता है, ओवर मतलब फ्लो हो जाता है। तब मतलब जो भी बचा हुआ रैम का स्पेस है एज यू कैन सी वो फिल्ड हो जाता है, उसके ऊपर भी और स्पेस चाहिए होता है और रैम के पास होती नहीं है, जिससे कि वो एप्लीकेशन रन नहीं हो पाता या फिर खोल नहीं पाता या फिर बहुत ज़्यादा आपका देखेगा कि हैंग होता है। इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम। अब रैम क्या करता है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कराने के लिए वो अपने स्पेस को छोड़ के और एक्स्ट्रा स्पेस के ये और सेक्शन से बोरो करता है। वो पर्टिकुलर सेक्शन होता है हार्ड डिस्क के अंदर। अब हार्ड डिस्क के अंदर इतना सारा स्पेस में से वो पर्टिकुलर स्पेस वो एनकाउंटर करता है जितना स्पेस उसे चाहिए होता है पर्टिकुलर बड़ा एप्लीकेशन को खोलने के लिए। तो हार्ड डिस्क के अंदर रैम से उन डेटा को ट्रांसफर किया जाता है जो कि अनयूज्ड है। इस पर्टिकुलर पोर्शन जो हार्ड डिस्क के अंदर होता है उसे बोला जाता है वर्चुअल मेमोरी सेक्शन। तो रैम के अंदर रहे हुए जो अनयूज्ड डेटा है वो डेटा को रैम क्या करता है, इस वर्चुअल मेमोरी में रख देता है हार्ड डिस्क के अंदर, एक खाली स्पेस में रख दिया। अब जो ये खाली स्पेस जो है डेटा का, जो ये जो खाली स्पेस हार्ड डिस्क में है जहां पे रैम ने वो पोर्शन को रख दिया है, उससे क्या होता है, डेटा स्पेस जो सीपीयू को चाहिए होता है वो रैम में निकल आता है बिकॉज ऑफ दिस वर्चुअल मेमोरी, जिसको यूटिलाइज करके वो एप्लीकेशन को फिर रन कराता है। तो इट इज वेरी इजी। नॉर्मली रैम में बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन रहते हैं, जब कोई एप्लीकेशन के लिए और ज्यादा स्पेस चाहिए होता है और रैम फिल्ड हो जाता है तो मेमोरी हार्ड डिस्क में एक स्पेस क्रिएट करता है जिसको वर्चुअल मेमोरी बोला जाता है, जिसमें ये सारा डेटा रख देता है, जिससे कि रैम में स्पेस निकल आता है और जो डेटा वर्चुअल मेमोरी में है उस अनयूज स्पेस को रैम में डाला जाता है और उस अनयूज स्पेस को रैम यूटिलाइज करके एप्लीकेशन को रन कराता है। तो यही स्पेस जो हार्ड डिस्क में रैम यूटिलाइज करता है, इस पर्टिकुलर स्पेस को वर्चुअल मेमोरी बोला जाता है। इट इज वेरी सिंपल। तो यहां तक था वर्चुअल मेमोरी। अब आगे में हम देखेंगे अबाउट द फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी किसे बोलते हैं, अब पिक्चर्स देख के आपको समझ में आ जाएगा फ्लैश मेमोरी क्या है। माइक्रो एसडी या फिर पेन ड्राइव या फिर एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, ये सारा फ्लैश मेमोरी है। इसे फ्लैश मेमोरी क्यों बोला जाता है, बिकॉज हमसे कोई भी डेटा को बहुत ही जल्दी ट्रांसफर करके स्टोर कर सकते हैं या फिर इरेज कर सकते हैं इन अ फ्लैश। मतलब पेन ड्राइव डाले, कॉपी कर दिए, पेन ड्राइव डाले, पेन ड्राइव के डेटा को डायरेक्टली इरेज कर दिए। तो मतलब ये बहुत ज्यादा इजी है और फास्ट है और एक फ्लैश में हो जाता है, इसीलिए उसे फ्लैश मेमोरी बोला जाता है। अ सेक्शन ऑफ मेमोरी सेल्स कैन बी इरेज्ड इन अ सिंगल स्टेप और फ्लैश, दस द नेम फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी यूज्ड फॉर इजी एंड फास्ट इंफॉर्मेशन स्टोरेज इन सच डिवाइसेस एज डिजिटल कैमरास, मोबाइल, वीडियो गेम्स, कंसोल एक्सेट्रा। मतलब नॉर्मली हमारे जितने भी ऐसे डिवाइसेस जैसे कि मोबाइल फोन हो गए या फिर डिजिटल कैमरास, वीडियो गेम्स, ये सब में हम फ्लैश मेमोरी यूज करते हैं क्योंकि इजिली हम इसको इसके इन्फॉर्मेशन को इधर उधर कर सकते, स्टोर कर सकते, कहीं भी लेके जा सकते हैं इन अ फ्लैश, इसीलिए इट इज टर्म्ड एज द फ्लैश मेमोरी। तो हमने क्या क्या सीखा मेन मेमोरी में, तो मेन मेमोरी हम सीखे पहला चीज वॉलेटाइल मेमोरी, जिसमें रैम और रैम के दो पार्ट्स SRAM एंड DRAM आता है। फिर हम सीखे नॉन वॉलेटाइल मेमोरी जो है रोम, और रोम में एक और चीज भी सीखे हम शेडो रैम, जो नॉर्मली बूट को फास्ट कराने में हेल्प करता है। रोम के टाइप्स भी हम सीखे, प्रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EPROM erasable programmable read only memory, फिर WPROM electrically erasable programmable read only memory। उसके बाद हम सीखे कैश मेमोरी, जिसमें दो टाइप्स है, लेवल 1 कैश, लेवल 2 कैश। लेवल 1 कैश रहता है इनसाइड द माइक्रोप्रोसेसर और वो स्टोर करने में हेल्प करता है ऑफ दोस डेटा
जो कि माइक्रोप्रोसेसर से इमीडिएट एक्सेस होती है, और फिर हो गया लेवल टू कैश जो रहता है आउटसाइड द माइक्रोप्रोसेसर बट इनसाइड द सिस्टम यूनिट, और ये हेल्प करता है वही स्टोर डेटा को प्रोसेसिंग के लिए प्रोवाइड करने में। लेवल वन कैश को इंटरनल कैश, सिस्टम कैश भी बोला जाता है, और लेवल टू कैश को सेकेंडरी कैश भी बोला जाता है। कैश मेमोरी के बाद आपका आया वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी के बारे में हम जाने कि रैम को जब बहुत ज़्यादा स्पेस की जरूरत पड़ता है तो हार्ड डिस्क में बोरो करता है इन सिंपल लाइन। और फ्लैश मेमोरी ये नॉर्मल हमारे जो एक्सटर्नल डिवाइसेज हैं, पेन ड्राइव्स वगैरह हो गया, या माइक्रो एसडी हो गया, आपका एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हो गया, जिसको हम यूज़ करके झटके में एक जगह से दूसरी जगह पे हम डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ले जा सकते हैं, इरेज फिर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, इस सब चीज़ों में जब यूज़ होता है, और ये फ्लैश में होता है इसलिए फ्लैश मेमोरी बोला जाता है। तो ये सारा चीज़ आपका मेन मेमोरी या फिजिकल मेमोरी में यूज़ होता है। अब हम देखेंगे ऑक्सिलरी मेमोरी, इन अदर वर्ड्स सेकेंडरी मेमोरी। उसमें हमारा जो पहला सेक्शन है वो हो गया मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क नॉर्मली इस तरह दिखता है, एक हार्ड डिस्क हो गया, और हार्ड डिस्क आप देख रहे हैं इसमें पूरा एक डिवाइस है जिसमें अंदर एक सीडी जैसा चीज है, उसमें बहुत सारे एक शार्प पॉइंटेड चीज है जो नॉर्मली रीड और राइट में यूज होता है। ये पर्टिकुलर डिस्क रिलेटेड डिवाइस को हार्ड डिस्क बोला जाता है। इसमें बहुत सारे अलग अलग सीडीज जैसे प्लेट्स है, ये आपका ऊपर का पैनल दिखाई दे रहा है, इसके नीचे भी बहुत सारे और पैनल्स है जिसमें डेटा स्टोर होता है। द मोर पैनल्स द मोर वी कैन स्टोर डेटा। उसी तरह आपका हो गया दूसरा वाला जो कि बोला जाता है फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क का ये पोर्शन जो है उसको बोलते हैं शटर, इसको हम स्लाइड कर सकते हैं। जब हम स्लाइड करेंगे तो हमें दिखेगा वो सीडी अंदर का जो एकदम थिन ब्लैक कलर का एक डिस्क है वो दिखाई देगा, और हम लाइट में उसको देख के ये डिफाइन कर सकते हैं कि ये डेटा इसमें भरा हुआ है या खाली है क्या है। और जो नीचे का ये पोर्शन है इसे बोलते हैं लॉक। अगर इसको हम खींच देंगे ऊपर की तरफ तो फिर ये डेटा जो इसको आप फ्लॉपी डिस्क को रखेंगे या फिर डालेंगे अंदर कंप्यूटर में तो खुलेगा नहीं, लॉक हो जाएगा, कोई भी फाइल नहीं दिखाएगा, और इसको अगर ओपन करके रखेंगे तो फाइल दिखेगा। इट्स जस्ट लाइक एक्सटर्नल लॉक सिस्टम, इसको हम पुल करके कोई भी डेटा को हम मतलब वल्नरेबल कर सकते हैं, नॉन वल्नरेबल कर सकते हैं। तो यही था मैग्नेटिक डिस्क के ऊपर बातें। अब आगे देखते हैं हम ऑप्टिकल डिस्क को। ऑप्टिकल डिस्क में आपके बहुत सारे सेक्शन दिखाई पड़ेगा, एक हो गया सीडी रोम, एक सीडी रीराइटेबल, डीवीडी, एचडी डीवीडी एंड ब्लूरे, ये सारे अलग अलग टाइप के डिस्क है लेकिन काम एक ही करता है, तो बस इनके स्पीड और जो कैपेसिटी है वो वैरी करता है। सीडी रोम नॉर्मली बोला जाता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। नॉर्मली हम कंप्यूटर का जो डेटा है उसको हम यहाँ पे स्टोर करने में हेल्प करते हैं। ये नॉर्मली मल्टीमीडिया टाइप स्टोरिंग सेक्शन है जिसमें हम सिर्फ टेक्स्ट ही नहीं ग्राफिकल ऑडियो वीडियो ये सब भी स्टोर कर सकते हैं। इसमें स्पेस काफ़ी कम होता है, ये नॉर्मली जिसका स्टैंडर्ड जो साइज है डायमीटर है वो 120 mm है या फिर 4.75 इंचेस भी बोल सकते हैं, और इसका थिकनेस आपका 1.2 mm या 0.05 इंच का होता है, और ये नॉर्मली बना हुआ होता है ऑफ पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक सबस्ट्रेट। पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक सबस्ट्रेट से इसको बनाया जाता है। नॉर्मली ये प्लास्टिक जैसा ही है तो बहुत ज़्यादा यूज करने में बहुत हैंडी होता है। नेक्स्ट आपका है सीडी रीराइटेबल डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। नॉर्मली सीडी रोम जैसा ही है, बस हम यहाँ पे एक डेटा को कॉपी करने के बाद फिर उसको इरेज करके वापस कॉपी कर सकते हैं, मतलब रीराइटेबल है। पहला सीडी रोम क्या था, ये एक ही बार हम कॉपी करके पेस्ट किया फिर अंदर स्टोर किए, बस स्टोर हो गया, उसको फिर डिलीट करके वापस नहीं लिख सकते, वंस यूज्ड इज यूज्ड। वेयर इज सीडी रीराइटेबल, वी कैन यूज ओवर एंड ओवर अगेन। नेक्स्ट है हमारा डीवीडी, जिसको बोलते हैं डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क भी बोल सकते हैं। ये नॉर्मली एक नॉर्मल डीवीडी जो है उसका सिंगल लेयर जो स्टोरिंग जो सेक्शन है वो हो गया 4.7 गीगाबाइट्स जीबी
तो एक डीवीडी जो सिंगल लेयर का होता है उसमें 4.7 जीबी तक स्टोर कर सकता है। ये सीडी जैसा ही है, सीडी में होगी आपका 700 एमबी तक स्टोर कर सकते हैं, बहुत ही कम। वरस डीवीडी जो है इसमें बहुत ज्यादा हम स्टोर कर सकते हैं। तो यही इन दोनों का डिफरेंस है। इसमें भी हम टेक्स्ट और ग्राफिकल चीजों को स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका HD DVD हाई डिफाइंड डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, ये DVD ही है, बस इसका जो क्वालिटी है ऑफ वीडियो सेक्शन वो नॉर्मल DVD से ज्यादा होता है। ये सिंगल साइडेड DVD कैन स्टोर नॉर्मली 15 GB तक, मतलब नॉर्मली DVD जो है वो 4.7 GB तक सिंगल लेयर पे स्टोर करता है, बट इन HD DVD एक सिंगल साइड में 15 GB तक भी स्टोर कर सकते हैं। और फाइनली हमारा आता है ब्लूरे। ब्लूरे का जो सिंगल साइडेड डिस्क सेक्शन है उसमें 25 GB तक हम स्टोर कर सकते हैं। तो डीवीडी के तीन हो गए, एक नॉर्मल डीवीडी हो गए जिसमें सिंगल लेयर में 4.7 GB तक स्टोर कर सकते हैं, HD DVD में सिंगल लेयर सेक्शन में 15 GB तक स्टोर कर सकते हैं, और ब्लूरे में हम एक सिंगल लेयर सेक्शन में 25 GB तक स्टोर कर सकते हैं। ये था आपका ऑप्टिकल डिस्क के ऊपर बात है। फाइनली हम देखेंगे मैग्नेटो ऑप्टिकल डिस्क के, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसे आप और से समझिएगा। मैग्नेटो ऑप्टिकल डिस्क कुछ इस तरह है। इस पर्टिकुलर डिस्क के जो बैंड है, नैरो बैंड आपको दिखाई देगा, ये पोर्शन पे लिखा हुआ है नैरो बैंड जो है, इसमें नॉर्मली सारा डेटा जो है स्टोर होता है। और इस पूरे डिस्क में एक एक करके सेक्टर्स है, नॉर्मली 18 सेक्टर्स है, लेकिन C1234 करके लिखा हुआ है 18 सेक्टर्स है। सेक्टर्स में 18 नंबर सेक्टर को जूम इन करके दिखाया गया है कि उसमें जो आपके लेयर्स है, मतलब एक एक करके बैंड का जो लेयर है, हर एक लेयर पे 512 बाइट्स ऑफ डेटा तक स्टोर हो सकता है। इस तरह पूरे जो 18 लेयर्स है सब में अलग अलग पैनल्स पे स्टोर करके रख सकते हैं चीजों को, हर एक डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। तो यही तक था हमारा मेमोरी एंड स्टोरेज का डिस्कशन। आई होप कि आप सब लोगों को इसके बीट बाय बीट समझ में आया, एंड आई बिलीव कि आप इसको वापस देख के कोई भी अगर कंफ्यूजन है उसको आप क्लियर कर दोगे और फर्दर नोट्स को प्रिपेयर करके रखोगे। थैंक यू।